we will start with array. Okay, what is array? If we need a collection of data in a one variable, then we use array. No, if we need to store multiple data on a single variable, then we have to use array. मतलब अगर आपको एक ही डाटा टाइप पे वेरिएबल पे आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है राइट, तो आपको क्या करना चाहिए? एरे यूज करना चाहिए। जैसे सिंगल एरे हम कैसे करते थे? इंट ए साइज डिफाइन कर दिया, इट मींस इस एरे में जो ए है जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम साइज कितना लेंगे? 5। ठीक है, ये करते थे। उसके लिए हम क्या करते थे? फॉर्म अगर मान लो कि हमें अभी 5 की जगह हम करते हैं तो 5 ही रहने दो, स्टोर करना है तो हम क्या करते थे? एक फॉर लूप लगाते थे, इंट आई भी लेते थे साथ में, एक फॉर लूप लगाते थे। कैसे? आई इक्वल टू 0 इंडेक्स एंड आई शुड बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। क्यों ऐसा हम क्यों करते थे? देखो एक बात सुनो, अगर आपको 1D array समझ में आया देन आपको 2D array समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझो कि ये आपका नोटबुक है राइट, ये मेन मेमोरी है राइट, क्या मेन मेमोरी है? ठीक है, इस मेन मेमोरी में एक वेरिएबल हमने क्या लिया है? ए, जिसमें उसका साइज कैसा है? ऐसे है राइट। अगर सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो कैसे होता है? मेमोरी में ऐसे चला गया राइट, लेकिन इसमें कितना डेटा चाहिए? 5। तो ये हर एक इंडेक्स में डिवाइड हो जाएगा राइट, जो फर्स्ट इंडेक्स से क्या बोलते हैं? 0। और लास्ट इंडेक्स क्या होता है? साइज माइनस 1। मान लो जिसका साइज अगर किसी भी एरे का साइज n है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? n माइनस 1। ओके सिंपल है। तो मेमोरी में ये कैसे जाएगा? जैसे 1, 2, 3, 4 राइट 5 ऐसे मेमोरी के अंदर में जाएगा वो। ठीक है, हर एक इंडेक्स वाइज समझ में आया? अच्छे से समझना जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो 2D array नहीं आएगा। ओके सिंपल था, हमने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा? 0, 1, 2 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3। ओके है, देखो तो वेरिएबल के अंदर में स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? स्कैनएफ फंक्शन यूज करते हैं राइट, स्कैनएफ परसेंटेज जी इंटीजर टाइप स्टोर करना है राइट, कॉमा एंड ए, और ए के हर एक इंडेक्स पे रखना है। पहला इंडेक्स क्या है हमारा? इंडेक्स 0। अब 0 पे रखने के लिए आपने क्या किया? इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया राइट, तो यहाँ पे हम क्या पास करते हैं? आई। जब इंडेक्स 0 है तो कौन सा गया? 1 गया राइट, स्टोर गया। देन ये लूप कंप्लीट होगा और हमने प्लस प्लस ले रखा है फॉर लूप में, देन अब क्या आ जाएगा? 1। फिर 2 स्टोर होगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? ये 4 तक, 4 तक लास्ट इंडेक्स क्या हमारा? 4 तक, ऐसे करके 4 इंडेक्स तक जाएगा और डेटा आप स्टोर करते जाओगे राइट। समझ में आया? तो ये काम करेंगे, सिंगल के लिए हम ये काम कर रहे थे। अब 2D के लिए हम क्या करेंगे? 2D के मतलब क्या हो गया? बेसिकली मैट्रिक्स जैसा 2D होता है राइट, जैसे मैट्रिक्स अपने बचपन में पढ़ा होगा कैसा होता है, ऐसे होता है 1, 2, 3 काफी है, 3 एलिमेंट ले लेते हैं इस बार। ठीक है, वहां से 5 तक लिया, अभी यहां तक लेके चलो 3 तक, और देन इसे हम ऐसे बंद कर देते राइट। देन हमें क्या रखना पड़ता था? कोई और एलिमेंट लेते हैं 5, 4, 7, 9, 1 एंड 0।
राइट, ये एलिमेंट है। अब 2D मतलब क्या हो गया? अब तुम देखो ये जो डेटा है, हम जो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम रिप्रेजेंटेशन किए हैं इस फॉर्म में, क्या इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। अगर इसी को हम करेंगे तो कैसे करेंगे? वर्टिकल। जो ऊपर वाला एरे मैंने 1D कराया उसको मैं ऐसे कर सकते हैं ना, इंडेक्स 1 पे क्या रखा, 0 पे 1, 2 पे, सॉरी 1 पे 2, 3, 4 एंड 5, राइट, ओके है ना। ऐसे सबका इंडेक्स ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। अब तुम सोचो ये एरे भी खाली है, राइट, इसको कंप्लीट एक वैल्यू लो। जैसे वर्टिकल की बात करता हूँ, जो इंडेक्स 0 है उसे हम क्या मानते हैं, ये कंप्लीट, ठीक है। देन जो सेकेंड वाला पार्ट है जो जा रही है वो 1 इंडेक्स मानते हैं और ये 2, समझ में आया? तो यहाँ पे 1D में जो इंडेक्स नंबर 0 है वहां पे सिर्फ आपने एक एलिमेंट क्या रखा, 1, लेकिन यहाँ पे एक एरे रख रहे हो आप, समझ में आया? क्या रखा? एरे रखा। तो जो जब 0 इंडेक्स में, इसीलिए क्या करते हैं, अगर ये आपका क्या है आई, देखो यहाँ पे अगर ये आपका क्या है आई, तो ये इधर ये जो इधर जा रही है उसे लोग इंटरवल क्या कहते हैं, जे। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, अंदर वाला कंप्लीट होगा, देन ये इंक्रीमेंट होगा। और इसीलिए जो आई 0 है तो जे 0 होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं, राइट। इसे हम बाद में लिखते हैं। इंडेक्स कितना से स्टार्ट होगा, 0 से। अब देखो 2D एरे में क्या करेंगे, हमें अगर 3 एलिमेंट रखना है तो साइज दे देंगे हम, राइट, कितने एलिमेंट जाएंगे, 9 एलिमेंट, राइट। ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक, ओके। अब हम ये आपका बाहर वाला लूप है, देखो यहाँ पे ये 0 1 2, राइट, 0 1 2, या ऐसे कर सकते हो 2 इक्वल टू, राइट, दोनों मीनिंग सेम है, इस वक्त मत सेव करो, कोई बात नहीं। तो कह रहा मैं क्या कह रहा था, 0 इंडेक्स पे क्या जा रहा है, 1 2, राइट। ये देखिए इंडेक्स नंबर 0 पे अब मान लो कि 4 एलिमेंट होता, राइट, ये 4 एलिमेंट होता, कैसे होता, ऐसे यहाँ पे मान लो 4 एलिमेंट यहाँ होता, एक एलिमेंट यहाँ पे होता, एक एलिमेंट यहाँ होता, राइट। तो 0 पे हम कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं, राइट। तो इंटरनल एक चलता हमारा यहाँ पे फॉर लूप, कहाँ से चलता, एक हमारा आई था, दूसरा क्या हमारा जे, और जे जो इन अंदर वाला ब्लॉक है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, इधर वाली ब्लॉक कॉलम, एक एरे कंप्लीट एरे, इस एरे की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम 1D में क्या करते थे, एक लूप लगाते थे 0 से लेकर के जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बोलो, लेस देन इक्वल टू 3 तक, यानी कि 4 एलिमेंट है ना उसके अंदर में, 4 एलिमेंट है, 0 1 2 एंड 3, तो इंडेक्स कहां तक जाएगा, 3 तक, राइट, एंड जे प्लस प्लस, राइट। और अंदर वाली की बात कर रहा हूँ, बाहर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एक कंप्लीट हो जाएगा ये, इट मीन जे ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से उठ के इधर आ जाएगा, इसीलिए ये जब पार्ट कंप्लीट, एक पार्ट 0 पे इंडेक्स वैल्यू चल गया, राइट, 0 से कितना तक, 3 तक, ये 3 तक क्यों जा रहा है, यही तो बता रहा हूँ, 0 एक बार 0 पहले तो हमने 0 पे, ये 0 पे, देन 1 पे, देन 2 पे, एंड देन 3 पे, हमने डेटा रख दिया, 3x3 की मैट्रिक्स ले रखी है ना हमने, अभी 3x3 नहीं रखे हैं, अभी हमने 3x4 रखा, बात समझो, 0 पे हमने कितना एलिमेंट रखा, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, ध्यान कहाँ था, नहीं वो तो मुझे मैंने कुछ भी पता नहीं है, ध्यान नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि 0 इंडेक्स पे हम एक एरे रख रहे हैं 4 एलिमेंट का, तो इंडेक्स नंबर 0 पे कितना रख रहे हैं, 1,
वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन आपने प्रोग्राम के अंदर 3x3 की मैट्रिक्स ली हुई है ना, तो उसी की वजह अभी तो मैंने कितना लिखा, मैंने समझाया नहीं कि मान लो कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे हमने 4 एलिमेंट ले लिया, रट्टा नहीं मरा रहे हैं स्टूडेंट को, रट्टा नहीं मराना है स्टूडेंट को, समझाना है कि जो इंडेक्स है फर्स्ट वहां इंडेक्स 0 पे हमने कितना एलिमेंट लिया 4, जरूरत नहीं है कि 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, वो कुछ भी हो सकता है रन टाइम पे, आपको प्रोग्राम कुछ भी कह सकता है। कैसे स्टार्ट करेंगे, आया समझ कुछ, क्या क्या हो रहा है बताओ, अभी तक मैंने क्या समझाया है कि इंडेक्स 0 पे पूरा एरे आ रखे है कितना 4 एलिमेंट्स का, हमने जे ब्लॉक क्यों चलाया है बताओ, पहले जे ब्लॉक इसी के लिए चलाया ना कि ये एलिमेंट्स वो वहां पे वो रखेगा ना, कहां पे रखे? जे जे का काम है जे, हमने क्यों लिया बस तुम ये समझा मुझे, आई तो हमारी रोज के लिए है ना कि वो फर्स्ट रो में जो है ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन ट्रू हुई तो वो अंदर आ गया, अंदर उसको क्या मिल रहा है एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जब तक वो पूरा पूरी रो कंप्लीट नहीं कर सक करेगा तब तक वो सेकंड रो में कहाँ से आएगा, फिर फालतू की बातें क्यों कर रहे थे उस समय से, हमारा जब इंडेक्स 0 पे है ये पूरा कंप्लीट होगा, इट मींस क्या पूरा कंप्लीट ब्लॉक कंप्लीट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, चाहे वो 3 का लो 4 का लो 5 का लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और देन ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाएगा, इट मींस अब 0 से इंडेक्स कितना आ गया 1, ये ब्लॉक अब 0 पे ना रखे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और देन सिमिलरली 2 हो जाएगा, राइट समझे, ऐसे कंप्लीट होगा, फिर देन अंदर वाले ब्लॉक में हम क्या करते हैं प्रिंट, स्कैनएफ लगाते हैं, प्रिंट कहाँ से लगाएंगे स्कैनएफ लगाएंगे ना, परसेंटेज डी, एक ही एलिमेंट रखना है हर एक इंडेक्स पे, तो एंड के साथ पहला चलेगा क्या चीज आई और जे एक चलते रहेगा, जैसे अभी ये आई पहले क्यों लेते हैं क्योंकि रोज चलती है ना पहले आई ये वो जीरो, हाँ, और ये जे चेंज होते रहेगा राइट, हाँ, तो पहले ये इस वाले इंडेक्स के लिए क्या होगा वैल्यू 0 0, ये होगा 0 1, ये होगा 0 2 0 3, ऐसे करके कंप्लीट होगा राइट, देन 1 1 1 2 1 2, तो ऐसे आप एक डेटा रख लोगे उसके अंदर में। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कंपाइल करो, अब डेटा इंटर हो जाएगा नो डाउट, कितने एलिमेंट जाएंगे 12 एलिमेंट गए, टोटल 12 एलिमेंट गए 2, और ये कहाँ तक लिया हमने 3 तक, क्योंकि हमारा कितना लेना था 4, 3 क्रॉस 4 मतलब कितना 12 एलिमेंट, ठीक है 12 एलिमेंट, अगर ये ब्लॉक नहीं लेना है तो 3 क्रॉस 3 कितना 9 एलिमेंट। अब रिप्रेजेंटेशन आप कैसे दोगे, ये तो प्रिंट करने के लिए था, एक मैसेज दे दो इंटर एलिमेंट राइट, प्रिंटेड नहीं दे दिया आपने, इंटर एरे एलिमेंट, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं समझा रहा हूँ कोई समझना नहीं चाहता, जब समझने की बात है तो वहां समझने की बात करो, ठीक है, प्रिंट एफ में एक मैसेज दे दिया वहां पे इंटर करेंगे एलिमेंट, अब हम प्रिंट करना है तो क्या करेंगे अरे एलिमेंट्स आर, ठीक है यहां दे दिया, अब ये फॉर लूप को फिर से चलाओ, चेंज क्या करना हमें स्कैनएफ की जगह प्रिंटएफ करना, हाँ यहाँ पे लगाना है हमें क्या चीज प्रिंटएफ, और फिर हमें एमरसेंट हटाना है, ये हटा एक काम और करना है न्यू लाइन प्रिंट एफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, न्यू लाइन जब बाहर वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाए अंदर वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाए हर एक इंडेक्स पे ये क्या हो न्यू लाइन, ठीक है इसके लिए हमने दिया न्यू लाइन के लिए न्यू लाइन, ठीक है मान लो कि अभी कितना है 12 एलिमेंट दिया ना हमने, इंटर करो एलिमेंट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मिल गया, ठीक है। ये कम आप कर सकते हो इसे नेक्स्ट लाइन पर, ठीक है। जो यहाँ पे आ जाए तो नेक्स्ट लाइन आ जाए, ठीक है। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये आपका मैट्रिक्स है, 2D है। एक चीज समझ नहीं है। क्या नहीं है? आपके ऊपर साइज डिफाइन कर रखा है ना कि 3x3 की मैट्रिक्स ही हो। हाँ तो ले लो 3 रोज 3 कॉलम, तो यहाँ 2 कर लो। अच्छा इसकी वजह से 2 कर लो, अब 2 कर लो, ठीक है। कितना एलिमेंट जाएगा? 9 तो अगर हम साइज डिफाइन कर रहे हैं और फिर भी रन टाइम पे हम कुछ भी दे रहे हैं तो नो मैटर, ठीक है। जितना टाइम आप लूप चलाओगे उतना टाइम तो चलेगा ना वो, ओके। और फिर साइज डिफाइन करने का क्या वो वहां में स्टार्टिंग के लिए होता है वो, बुक को पढ़ा करो थोड़ा सा तब समझ में आएगा। अच्छा जब हमें रन टाइम पे नहीं चाहिए तब हमें साइज का मैटर करना है। अब मान लो आपको एक प्रिंट करना है, क्या चीज? स्टार प्रिंट करना है ऐसे, ओके। क्या करो? एरे। हाँ क्या करो? इस पैटर्न में आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ। हाँ बोलो। सर इसमें हम 2 लूप चलाएंगे आई और जे के लिए, ओके, ठीक है। मतलब रो और कॉलम्स के लिए, और सर वर्क तो ऐसे ही करेगा ये, इसको हटा दो सर, और यहाँ पे स्टार प्रिंट करना आपको यहाँ पे, वही तो बोल रही हूँ, राइट। और मान लो कि यहाँ पे ले लिया कितना तक? 5। तो कहाँ तक जाएगा? ओके तो ये तुम क्या होता है? और ये पता नहीं है वन से स्टार आई और जी पता क्या पड़ा है आगे ये क्यों हुआ ऐसे? तो 2 का टेबल प्रिंट करवा दो एरे के 3 का टेबल 2 का क्यों करना है? टेबल का फॉर्म बनाना है 2D में, 1D में, 1D में सिंपल है। किसी भी टेबल पर बनाना है आपको, आपको क्या करना चाहिए? एक नंबर लेना चाहिए, ठीक है। उसे क्या करना चाहिए? प्रिंटर मैसेज और प्रिंटर नंबर, राइट। एंटर नंबर, देन स्कैन एवन, राइट, परसेंटेज कॉमा एंड क्या चीज नंबर, ओके। हम फिर क्या लगाएंगे? एक आई ले लेंगे, राइट, ऊपर ही ले लो नम के साथ, ठीक है। आई लूप चलाएंगे। और लूप चलाया भाई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? से स्टार्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, आई प्लस प्लस तो पता है ही आपको। अरे में भी ऐसे ही करना है? अरे में नहीं करना है हमें, अरे क्यों यूज करेंगे? अरे में करना है। अरे हम क्यों करेंगे यूज? ये तो मुझे आता है। अरे में 2D अरे नहीं होती, फॉर लूप लगाते हैं बस। फॉर लूप कैसे बोलते हैं? नंबर आया इनटू
अरे में थोड़ी होता है, नहीं होता। अरे क्यों यूज करेंगे, क्यों मेमोरी को वेस्ट करेंगे फालतू। ठीक है आइए नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करोगे, एक्सप्रेशन लगा देंगे। जैसे 2D एरे का कोई और एग्जांपल दो। इस चीज को तुम व्हाइल लूप के थ्रू कैसे करोगे, नहीं काम को व्हाइल लूप मुझे आता है। बोलो आता है int i is equal to 1 ऊपर इनिशियलाइज कर देंगे फिर while की कंडीशन देंगे नीचे। while की कंडीशन क्या देंगे, while i less than equal to 10 तो फिर अंदर में print स्टेटमेंट दे दो यही ना। हाँ जी सर, देन उसके बाद i plus plus कर दो इधर। हाँ do में print स्टेटमेंट देंगे सर सबसे ऊपर यहाँ पे do, उसके अंदर print स्टेटमेंट दे देंगे और सर फिर while loop लगाएंगे last में terminate कर देंगे। बाद में क्या देंगे, i less than equals to 10 terminate। दोनों conditions क्या है, अगर कोई i का वैल्यू इंटर करता है जैसे कितना 12 और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, नहीं है ना, तो क्या होगा, वन टाइम तो चलेगा चलेगा, कोई वैल्यू डालोगे वन टाइम वैल्यू आएगा, आ रहा है ना। ओके ठीक है, ये हो गया आपका। Anything else?